हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि है लेजर। हम लोग ने इससे पहले क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जनरल। जनरल से ये जो रिकॉर्डिंग की गई थी, इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग की थी, अब वो क्लासिफाई किए जाएंगे। इनटू लेजर वो किसमें क्लासिफाई किए जाएंगे? लेजर में क्लासिफाई किए जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द एलसी प्रॉपर द बुक विच कंटेन अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस कॉल्ड लेजर। तो लेजर की ये हमारी मीनिंग है। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है प्रोफॉर्मा ऑफ द लेजर। लेजर किस तरह का होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो ईच लेजर अकाउंट डिवाइडेड इन टू इक्वल पार्ट, फोर इज लेफ्ट साइड एंड फोर इज राइट साइड। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर, जैसे डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट, दैट इज अ डेबिट, और डेबिट का फोर कॉलम। सिमिलरली फोर इज कॉलम फॉर क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है, दैट इज द परफॉर्मा ऑफ द लेजर। ये किसका परफॉर्मा है? लेजर का है। ओके, नाउ बैक टू पॉइंट। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड ऑलवेज एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट एंड ऑलवेज बी ए टी शेप। मतलब लेजर हमारा टी शेप का होता है। किस शेप का होता है? टी शेप का, डेबिट दैट इज क्रेडिट। ठीक, और जैसे कि हम लोगों ने फॉर्मेट में देखा कि डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, तो ईच साइड हैव फोर कॉलम्स। ठीक है, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ द लेजर का। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इसी के अकॉर्डिंगली। जैसे कि आपने, हम लोगों ने जनरल पढ़ा था, जनरल में हम लोगों ने क्या देखा था? जनरल एंट्री देखी थी। ठीक, अब उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। पहली अप्रैल को वो ओपनिंग बैलेंस था। ठीक है, लेजर में तो ओपनिंग बैलेंस कहा जाता है? इसी में, क्रेडिट साइड में। ठीक है, हम लोग पहले जनरल पास करेंगे, ओपनिंग नहीं, पहले 6 अप्रैल की पास करेंगे। ठीक है, इसका है पहला 6 अप्रैल कि हम लोग पास कर रहे हैं जनरल एंट्री। तो 6 अप्रैल क्या थी हमारी जनरल एंट्री? परचेज गुड फ्रॉम सुनील, सुनील से गुड्स को परचेज किया गया। तो एंट्री क्या होगी? सुनील परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सुनील। एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सुनील। ओके, इसकी एंट्री हमारी ये होगी। अब परचेज हमने किया, ठीक है, किससे किया? सुनील से किया। कितने का परचेज किया? 50,000 का परचेज किया। तो कॉलम में हम कितना लिख देंगे? 50,000 एंड 50,000। पहली एंट्री पास कर ली। इसी तरह हमने जनरल एंट्री पास करते थे, सेकंड एंट्री क्या थी मेरी? गुड रिटर्न टू सुनील 7 अप्रैल को। ठीक है, गुड रिटर्न टू सुनील 7 अप्रैल, तो 7-4, तो एंट्री क्या होगी हमारी? सुनील अकाउंट चेक करना है, अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना रुपए? चेक कर लो, आएगा 2,000 रुपए। 2,000 कितना है? 2,000। अब हमने माल खरीदा था, तो जनरल एंट्री तो ऑलरेडी हम लोग पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं। अब हम सिर्फ जनरल एंट्री एक रफली करके उसके बाद हम लेजर में पोस्टिंग करेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे क्या थे? इशू अ चेक टू सुनील।
चेक इशू किया गया 15 को सुनील को, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? सुनील हमारा क्रेडिटर था, क्रेडिटर हमारा कम हो गया, तो 15 अप्रैल, ठीक, तो एंट्री हमारी होगी सुनील अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, चेक से हमने पेमेंट कर दिया तो ये हो गया। अब ये ट्रांजैक्शन हमारा कितना था जरा देखो, 20,000 रुपए का, तो 20,000 की हम पोस्टिंग यहां पे कर देंगे, डेबिट में भी 20,000 रुपए और क्रेडिट में भी 20,000 ये हो गए। ये हमारी 15 तारीख की ट्रांजैक्शन था, ये 7 तारीख का और ये 6 तारीख का ट्रांजैक्शन था। अब हम लोग आगे देखते हैं, डिस्काउंट अलाउ बाय हिम, इसको डिस्काउंट भी दिया, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो सुनील अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, उससे में डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो सुनील हमारा कम होकर डिस्काउंट से कितना हमारा 4,000, उसकी एंट्री क्या होगी? इसी तारीख को 15 ही तारीख को अलग अलग एंट्री पास किया मैंने, सुनील अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इसको चाहते तो हम कंबाइन भी कर सकते थे, इन दो एंट्री को हम क्या कर सकते थे, कंबाइन कर सकते थे। इसकी कंबाइन एंट्री क्या होगी, हम लोग देख लेते हैं, कंबाइन एंट्री सुनील अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू बैंक अकाउंट, दैट इज अ कंबाइन एंट्री। सुनील से हमें कितना मिला, डिस्काउंट पहले देख लिया 400 था एंड 400, तो यहां पे सुनील कितने से में माल था, 20,400। का माल, ठीक है, और यहां पे इसको में डिस्काउंट कितना मिला था 400 का, और हमें पेमेंट कितना किया इसको 20,000, दिस इज कंबाइन एंट्री और ये हमारी जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री से ही हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अपना लेजर बनाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम इसको सीखते हैं कैसे लेजर बनेगा। अब देखो ये लेजर का फॉर्मेट है, जितनी भी एंट्री हमने की जनरल में, लेजर जनरल में, अब हर डेबिट हर एंट्री में 6 तारीख की हो, 7 तारीख की हो या 15 तारीख की हो, ठीक है, अब सारी एंट्रियों में डिवाइड कर देंगे, दोनों में क्लास करवा देंगे, मतलब अलग अलग कर देंगे, बाकी को क्लासिफाई कर देंगे, मतलब डेबिट परचेज का अलग अकाउंट बन जाएगा और सुनील का अलग बनेगा, सुनील एक बार बन जाएगा फिर दोबारा नहीं बनेगा, फिर परचेज रिटर्न का बनेगा, सुनील ऑलरेडी बन चुका फिर बैंक का बनेगा। तो देखो कितने लेजर्स बनेंगे हमारे, परचेज का एक पहले बनेगा, सबसे पहले क्या परचेज वाला आया, तो परचेज का एक हम लोग लेजर बनाएंगे, किसका बनाएंगे, परचेज का, तो सबसे पहले हमें क्या बनाया जा रहा है, परचेज का, परचेज अकाउंट का एक लेजर बनेगा, एंड देन फिर से आइए उसके बाद सुनील का एक लेजर बनेगा, ठीक है, किसका बनेगा, सुनील का, सुनील अकाउंट हमारा एक लेजर सुनील का बन गया। देन अब देखिए सुनील का ऑलरेडी बन चुका है एक बार, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, उसके परचेज रिटर्न का एक लेजर बनेगा हमारा, तो हम लोग किसका बनाएंगे, तीसरा परचेज रिटर्न का, ओके। अब नेक्स्ट फिर से जनरल पे आते हैं, अब सुनील का ऑलरेडी फिर वर्ड आ रहा है, सुनील 15 तारीख को भी सुनील का ट्रांजैक्शन हुआ, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन बैंक वर्ड हमारा नेम बैंक वर्ड नहीं बनाया है, तो बैंक का फिर से हम ट्रांजैक्शन बनाएंगे, तो बैंक का एक और ट्रांजैक्शन, एक और लेजर बनाएंगे। अब देखिए हमने क्या किया, हर एक अकाउंट को क्लासिफाई कर दिया, सुनील का ऑलरेडी बन चुका है, नेक्स्ट 15 तारीख की सुनील डिस्काउंट रिसीव का एक बना देंगे, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव का एक बनेगा, तो एक हम लोग डिस्काउंट रिसीव का बना देते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब सारे लेजर क्या हमारे क्लासिफाइड हो गए, चेक कर लो, परचेज का बन गया, सुनील का बन गया,
परचेज एटम का बन गया, सूल का बन गया, बैंक का बन गया, सुनील का बन गया, डिस्काउंट रिसीव का बन गया, कोई ऐसा नहीं बचा जो लेजर नहीं बना। अब हमको क्या करना, पोस्टिंग करनी है। लेजर में हम लोग क्या सीखते हैं, जनरल से क्लासीफाई करना, और उसका बैलेंस जो होता है वो ट्रायल बैलेंस मिल जाते हैं, उनको समराइज करते हैं, ठीक है। ये चीजें हम लोग लेजर में सीखते हैं। अब जनरल से लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं, जैसे कि अब देखो पहली एंट्री हमारी क्या थी, हम लोग पहली एंट्री हमारी इसको ध्यान रखना 6 तारीख की एंट्री को, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील, है ना। तो पहली एंट्री हमारी यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सुनील अकाउंट, ये हमारी एंट्री थी, ठीक है। अब परचेज में सुनील कहां जाएगा, परचेज में परचेज कहां पर है, डेबिट साइड है, ठीक। जिसका लेजर हम बनाते हैं उसके लेजर में उसका नाम नहीं आता, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसका लेजर बनाते हैं उस लेजर में उसका नाम नहीं आता, ठीक है। तो अब परचेस हमारा कहां पे है, डेबिट में है, और सुनील हमारा क्रेडिट में है, तो परचेस में परचेस का नाम तो आएगा नहीं, तो उसकी अपोज एंट्री टू वाली वो कहां पे जाएगी, ये कौन सा हमारा ट्रांजेक्शन था, किस तारीख का था, 6 तारीख का, तो 6 और 4 को टू सुनील अकाउंट आ गया, सुनील अकाउंट ये हमारा आ जाएगा। लेजर फॉर्म कुछ नहीं आएगा, अमाउंट कितना था चेक कर लेते हैं, अमाउंट 50,000, तो हम लोग यहां पे लाएंगे 50,000 हमारा आ जाएगा, क्लियर है। देखो परचेस में सुनील आया, टू वाला हमेशा लेजर के अंदर, टू वाला हमेशा लेजर के अंदर कहां जाता है, क्रेडिट में, डेबिट में, ठीक है, ये हमारा डेबिट में आ गया। अब इसी तरह सुनील के अकाउंट में, सुनील था इसके कुछ पहले से भी, इसके कुछ पहले से भी ट्रांजैक्शन थे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, ओपनिंग बैलेंस भी था इसका, चेक कर लो सबसे पहले, देखो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट दिया हुआ है इसका, ही सुनील का है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में सबसे पहले सुनील को जब बनाएंगे तो यहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना रुपए लिखेंगे वो चेक कर लेते हैं हम लोग कितना लिखेंगे, 16,300, कितना 16,300, ये हमारा क्या आ गया, सुनील का आ गया, ठीक है, ओपनिंग। और अच्छा ये एंट्री पास करनी है परचेस अकाउंट, तो यहां पे क्या जाएगा, बाई परचेस, बाई परचेस कितना आएगा हमारा, 50,000, क्लियर। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं, हमारा ये पोस्टिंग हो गई, इसमें पहले ट्रांजैक्शन की हमारी पोस्टिंग हो गई जो पहले जनरल थी। अब फिर से आते हैं हम लोग किसी जनरल पे आते हैं, ठीक है। अब दूसरे में लिखा है सुनील का, हमारा ये सुनील अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न है, नेक्स्ट एंट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री में हमारे एंट्री क्या है, सुनील अकाउंट डेबिट है टू परचेस रिटर्न। अब देखो टू वाला क्रेडिट में है और ये डेबिट में है सुनील, हमने परचेज रिटर्न का अलग पोस्टिंग की है, और सुनील देखो जनरल में किसका नाम आ रहा है, सुनील का वर्ड आ रहा है परचेज का, परचेज रिटर्न कहां पे, क्रेडिट में है, ठीक है, टू में जनरल के अंदर, ठीक है। तो अब इसकी अपोजिट एंट्री भी कहां आ जाएगी, जहां परचेज रिटर्न था, तो परचेज रिटर्न कहां पे था, क्रेडिट में, तो यहां पर परचेज के अकाउंट में, परचेज रिटर्न के अकाउंट में, ये कितना है हमारी, कौन तारीख की, डेट देख लीजिए, परचेज 7 अप्रैल, हमारा ट्रांजेक्शन कब हुआ, 7 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। अब हमारा यहां पर 7 अप्रैल
अब यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा ट्रांजेक्शन बाई सुनील अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितना आएगा हमारा, कितने का परचेज लिख दिया तुमने, 2000 का, तो 2000 हमने यहाँ लिख दिया। ये एक तरफ पोस्टिंग की। अब इसी तरह सुनील भी वर्ड आया है, अब लेजर में हम लोग सुनील में भी पोस्टिंग करेंगे कहां पर, 7 4 कितने रुपए की पोस्टिंग यहां पर आएगा, 2 purchase return कितने रुपए, 2000 रुपए। ये हमारी एंट्री बन गई, ठीक है, जो भी था हमारा। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा किसका है, चेक कर लेते हैं। हमारा ये ट्रांजेक्शन 6 तारीख की ट्रांजेक्शन पोस्टिंग और 7th की पोस्टिंग कर दी। अब 15 की ये क्या है, सुनील अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है, सुनील अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। फिर से वर्ड सुनील आया और बैंक बढ़ाया, इसमें क्या एंट्री आई, सुनील अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब बैंक में सबसे पहले यहां पे हमें बैंक देख लेते हैं, बैंक यहां पर लेकर दिया हुआ, बैंक कहां पे, क्रेडिट में है, और सुनील कहां पे, डेबिट में। तो हम किसका लेजर बना रहे हैं, बैंक का लेजर बना रहे हैं। तो बैंक को हम लोग क्या मान लेंगे कि ये हेड है और ये इसका फॉलोअर है। बैंक क्या है, जिसका लेजर बनाएंगे उसको हम लोग क्या मान लेंगे, हेड मान लेंगे, और उसके अपोजिट एंट्री को फॉलोअर मान लेंगे, ऐसा समझो। और जहां पर लीडर जाता है फॉलोअर वही जाते हैं, तो यहां पर लीडर कौन है, बैंक अकाउंट को मैंने माना है। तो अब फॉलोअर कहां भी जाएगा, लीडर के पास जाएगा। लीडर जनरल में कहां रहता था, क्रेडिट में था, है ना। तो सुनील भी लेजर के अंदर कहां भी चला जाएगा, 15 4 क्रेडिट साइट में चला जाएगा। तो यहां पे बाई सुनील अकाउंट, ठीक है, कितने रुपए ट्रांजेक्शन, ये पेमेंट कितना किया बैंक का, अमाउंट चेक कर लो, 20,000 रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो 20,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। सिमिलरली अब सुनील वर्ड भी आया है, अब हम सुनील के लेजर पे दोबारा जाते हैं। अब सुनील के लेजर पे दोबारा गए और हमने चेक किया कि भाई यहाँ पे हमें एंट्री क्या थी, हमारी एंट्री थी सुनील अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ठीक है दीदी, हाँ। अब बैंक का तो लेजर हमने बना दिया, उसकी पोस्टिंग कर दी, अब सुनील में भी तो करना बाकी है। और सुनील यहां पर क्या बन जाएगा आपकी बात, उसको हम लीडर मान लेंगे। तो सुनील का लेजर बन रहा है, तो सुनील का लीडर, और उसका फॉलोअर कौन है, अपोजिट साइड वाला, जो कि इस ट्रांजैक्शन के हिसाब से बैंक है। अब उस बैंक को हम लोग कहां ले जाएंगे, डेबिट साइड पे लेजर के अंदर ले जाएंगे। तो 15 तारीख को ट्रांजैक्शन क्या करेंगे, 15 4 टू बैंक अकाउंट, कितना आएगा, 20,000 आ जाएगा। ये हमारी पोस्टिंग किसमें हुई, सुनील में हो गई, ओके। अब हमारी कौन सा बची, कोई ट्रांजेक्शन नहीं बची। तो अब क्या करेंगे, हम लोग ट्रायल बैलेंस लेजर को क्लोज करेंगे। सबसे पहले परचेज अकाउंट को क्लोज करेंगे, सबसे पहले, क्योंकि पहला ये अकाउंट था। अब देखिए इसका डेबिट का टोटल देखो कितना आ रहा है, 50,000, और क्रेडिट टोटल क्या है, 0। तो इसको टैली करना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 31 मार्च, ठीक, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना, 50,000। ये क्या हो गई, लेजर हमारा क्लोज हो गया, ठीक है। सिमिलरली अब देखिए सुनील की बात करें, तो सुनील का ओपनिंग बैलेंस हमारा पहले था 16,000, 50,000 हमारा कितना है, अभी आया 2000, हमने क्या किया था, माल रिटर्न कर दिया था, और हमने फिर बैंक पेमेंट कितना किया, इतना एक एंट्री डिस्काउंट रिसीव्ड की, वो भी हमने पेमेंट नहीं किया है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड की भी एक आ जाएगी, टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हुआ था, 400, ठीक है। अब यहां पे इसको पेमेंट कर दिया हमने, अब टोटल हम लोग क्या करेंगे,
क्रेडिट को टोटल करेंगे और टोटल करेंगे डेबिट का और देखेंगे डिफरेंस कहां पर है। तो यहां पर डिफरेंस आ रहा है, टोटल ऑफ क्रेडिट कितना आ रहा है 66,300 आ रहा है ना। इसका टोटल कितना आ रहा है, ये दोनों को प्लस कर दिया जाए तो 66,000 आ रहा है और इसको किया जाए तो कितना हो रहा है 22,400 आ रहा है। आ रहा ही नहीं आ रहा है 22,400। अब कमी कहां पर है, कमी कहां पर है डेबिट में और जाती कहां पर है क्रेडिट में। तो टैली करना है हम हाल में कैसे करेंगे टैली, इसको टैली करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर टू बैलेंस कैरी डाउन करना पड़ेगा, मतलब कि टोटल ऑफ क्रेडिट से टोटल ऑफ डेबिट को जब माइनस कर देंगे तो जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा, इसका आंसर है 43,900। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दोनों क्या करो टैली कर लोगे तो 66,300 हमारा आ जाएगा। तो इस तरह लेजर हमारा बनाया जाता है। सिमिलरली अब नेक्स्ट पे आ जाए तो देखो यहाँ परचेज रिटर्न में एक ही तरफ पोस्टिंग, इसका टोटल सीआर कितना हमारा 2000 टोटल है और यहाँ पे डेटर डेबिट में जीरो है। तो यहाँ पे क्या होगा 31 मार्च में हम लोग कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन कितना 2000। ये हमारा टैली कर गया, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर, इसे कहते हैं क्लोजिंग ऑफ बैलेंसिंग फिगर। सिमिलरली बैंक में बैंक पेमेंट कितना किया, ओपनिंग देखो ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था बैंक का। हम सपोज मान लेते हैं कि यहां पर सपोज यहां पे बाई बैलेंस ड्रॉप डाउन हम 1,00,000 मान लें, सॉरी यहां पर आएगा ओपनिंग बैलेंस। हमेशा बैंक कहां आता है 1 अप्रैल को टू बैलेंस डॉट असेट है, असेट ऑलवेज शुड डेबिट साइड। मान लिया मैंने 1,00,000 हमारे पास 10,000 था, 10,000 में से मैंने 1,00,000 था मेरे पास 1,00,000 रुपए था ठीक है टोटल। अब 1,00,000 में से मैंने 20,000 पेमेंट कर दिया तो हमारा कितना हो गया 31 मार्च को बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा हमारा 80,000 बच गया। अब मैं आपको दिखा दूं, ये हमारा लेजर की पोस्टिंग होती है। सिमिलरली अब हम लोग आगे बात करते हैं, जैसे कि ये हमारा सुनील अकाउंट था, सुनील का अकाउंट बना था। सुनील सर पहले क्या हुआ, ओपनिंग बैलेंस था हमारा, ओपनिंग बैलेंस 16,300, ओपनिंग बैलेंस कहां आता है क्रेडिट साइड में आता है ठीक है। परचेज गुड फ्रॉम सुनील 50,000, तो परचेज कहां आएगा डेबिट में 50,000 ठीक है। परचेज किया हमने तो इनकी क्या परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील, एंट्री क्या होती परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील आ गया। अभी मैं देखा ही थी परचेज रिटर्न गुड टू सुनील कितना आएगा 2,000 रुपए ठीक है, रिटर्न यहां पे आएगा। अगर मैंने देखो सुनील हमारा है कौन, सुनील हमारा क्रेडिटर है, सुनील हमारा क्रेडिटर है और अगर क्रेडिटर बढ़ता है तो वो कहां जाएगा क्रेडिट साइट में, और क्रेडिटर अगर हमारा क्या होता है क्रेडिटर हमारा अगर कम होता है तो वो कहां जाएगा डेबिट साइट में। परचेज किया उधार पे तो लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, क्रेडिटर के बारे में जानते हैं तो क्रेडिटर क्या होता है हमारा एक लायबिलिटी होती है, क्या होती लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी बढ़ गई 2000 का माल वापस कर दिया तो लायबिलिटी क्या हो गई कम हो गई। इसी तरह बैंक अकाउंट है हमारा, बैंक अकाउंट में हमने पेमेंट किया तो लायबिलिटी हमारी कम हो गई तो डेबिट साइड। डिस्काउंट रिसीव हमको डिस्काउंट रिसीव मिल गया तो 4,000 पेमेंट करना नहीं है तो लायबिलिटी हमारी कम हो गई। तो इतनी लायबिलिटी हमारी कम हो गई और इस साल इतनी लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई तो नेट लायबिलिटी कितनी हमारी बची वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी अगले साल के लिए। तो ये जो बैलेंस होता है इस बैलेंस को हम लोग कहां ले जाते हैं ट्रायल बैलेंस में ले जाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन एंड देन समराइजिंग।
समझ में आया कि नहीं आया? ओके, थैंक यू क्लास।